नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह, दफ्तर टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह की सच्चा सच। नमस्कार मैम। धन धन सतगुरु, तेरा याद। क्या नाम है आपका? सुमन। कब से आ रहे हो आप? मैं 2010 से नाम लिया है मेरा और बहुत टाइम हो गया, लगभग 2000 से। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? बीकॉम फाइनल है। आप बीकॉम कर रहे हो, एक यूथ हो, डेरा सच्चा सौदा से मतलब क्यों जुड़े हो मेरा? क्योंकि जो पिताजी है, जो मैंने भटकते हुए को मैं पिताजी नहीं संभाला है, तो इसलिए हमें पिताजी जो हमारे हैं वो कोट है, खुदा है, जो पिताजी है, जो हमें देखते हैं, जो बचाते हैं, बस पिताजी है हमारे, इसलिए बस डेरा ही है हमारा सब कुछ। बींग अ गर्ल, अपने आप को सेफ फील करते हो आप? क्या? बींग अ गर्ल, आप अपने आप को यहाँ कितना सेफ फील करते हो? यहाँ पे कुछ ऐसा अनजान नहीं लगता, जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें डर होता है कि हाँ वो कुछ कह ना दे, वो कुछ कह ना दे। यहाँ पे कुछ नहीं होता। जो बहनी होती है भाइयों कहती है भाई ये काम करो, और जो भाई होते हैं बहनों कहते हैं बहनों ये काम करो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को कुछ गलत फील हो। आप लोगों का कहना है कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर वेल एजुकेटेड मतलब पीपल्स नहीं आते, तो क्या जवाब देना चाहिए? नहीं, यहाँ पे डेरे में वेल एजुकेटेड पीपल ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है कि डेरा क्या है, डेरे में क्या होता है। जो डेरे में नहीं आते, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, वो ही कहते हैं कि डेरा हमारा ऐसा है वैसा है वो डेरा, पर यहाँ पे ज़्यादा वेल एजुकेटेड पर्सन ही आते हैं। संत जी ने क्या कार्य करवाए हैं समाज भलाई के लिए? सारे कार्य पिताजी कर रहे हैं, जो भी भलाई के कार्य वो पिताजी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर रहे हैं, और जो सेवादार हैं उनको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। सरकार से क्या अपील करोगे? क्या सरकार से क्या अपील करोगे आप? यही अपील करेंगे कि जो डेरे है डेरे पे कोई उंगली ना उठाए। जो पिताजी हैं लोग कह रहे हैं कि वो ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं है, पिताजी अपनी मर्जी से गए और जब उनकी मर्जी होगी तभी आएंगे वो। जो लड़कियां डेरा सच्चा सौदा के अंदर आती हैं, आपको लगता है कि मतलब सेफ्टी जो लेवल यहाँ पे है वो बाहर मतलब एज कम्पेरिजन डेरा बाहर कितनी है? आपके जो आस पास के एनवायरमेंट में कितनी है? नहीं, जितनी डेरे में सेफ्टी है उतनी नहीं है बाहर, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ संत जी नहीं है समाज के बीच में, तो क्या कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं? बहुत ज़्यादा नशा बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि पिताजी होते टाइम टू टाइम एजुकेट करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं सभी को। जिन्होंने नाम ले लिया है वो तो गाइड है पहले से पिताजी से, पर जो नई पीढ़ी आ रही है वो गाइड नहीं है, तो वो पिताजी के वचन सुने तो वो एजुकेटेड हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हो लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनका यही कहना है कि वेल एजुकेटेड भी यहाँ पर आते हैं और हर वर्ग के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेल एजुकेटेड। मगर बात यह है कि संत जी के दर पे जो आज भी इतने लोग आते हैं, डेरा पे आज भी इतने लोग आते हैं, और उनका मकसद यही है कि जो उनकी टीचिंग्स है और जो मानवता भलाई के कार्य हैं वो कभी बंद ना हो और देश भलाई के लिए इतने कार्य करें। यह है डेरा सच्चा सौदा का सिलसिला। बहुत बहुत धन्यवाद।